नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का मेरी चैनल पे। आज मैं आपसे बात करने वाली हूँ कि महाभारत का युद्ध कुरुक्षेत्र में क्यों लड़ा गया, सभी ने कुरुक्षेत्र को ही युद्ध के लिए क्यों चुना, इसके पीछे एक कहानी है, वो मैं आपको आज बताने वाली हूँ। तो आइए जानते हैं। महाभारत के अनुसार कुरु राजा थे जिसने एक क्षेत्र को बार बार जीता था, उसका नाम कुरुक्षेत्र पड़ गया। कहते हैं कि जब कुरु एक क्षेत्र की जुताई कर रहे थे तब इंद्र ने उससे जाके इसका कारण पूछा। तब कुरु ने कहा कि जो भी व्यक्ति इस स्थान पे मारा जाए वो पुण्य लोक में या स्वर्ग लोक में जाए, ऐसी मेरी इच्छा है। इंद्र ये बात सुन के बहुत ही हंस पड़े और उसकी हंसी उड़ाते स्वर्ग लोक में चले गए। ऐसा अनेकों बार हुआ, कुरु राजा हार नहीं माने। इंद्र ने ये बात अन्य देवताओं को भी बताई। अन्य देवताओं ने इंद्र को ये सलाह दी कि यदि संभव हो तो आप कुरु राजा से संधि कर लीजिए और उनको ये वरदान दे दीजिए, वरना उनको मुक्ति नहीं मिलेगी। तब इंद्र ने कुरु के पास जाके कहा कि कोई भी पशु पक्षी मनुष्य निराहार रहकर या युद्ध करके इस स्थान पे मारा जाएगा तो वो स्वर्ग का भागी होगा। ये बात भीष्म कृष्ण और कई लोग जानते थे, इसीलिए सबने मिलके ये निर्णय लिया कि महाभारत का युद्ध कुरुक्षेत्र में ही होगा, ताकि वहाँ पे जो वीरगति को प्राप्त हो वो सभी स्वर्ग लोक के भागीदार बने। तो दोस्तों, अगर आपको मेरी ये जानकारी पसंद आई है तो मेरी चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियोस को लाइक करें और शेयर करें।